अस्सलाम वालेकुम। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, यानी किस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं और किस तरह इसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं कि हमारे साथ ये बात करे, यानी हमारे हर क्वेश्चन का यानी हमारे हर प्रॉम्प्ट का ये हमें जवाब दे। सो ये तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी के कोर्स में खुशामदीद। सो आज हमारी चैट जीपीटी के हवाले से पांचवी वीडियो है। सो इससे पहले हम चैट जीपीटी के बारे में चार वीडियो बना चुके हैं। सो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या है, इसके अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो क्या हैं, एपीआई क्या है, इसी तरीके से किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी 4 क्या है। सो ये तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं कि किस तरीके से अब हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी पहले हमने वो तमाम चीज़ें क्लियर की ताकि हमें इसकी बेस के बारे में पता हो, यानी इसकी हिस्ट्री का पता हो, क्या है जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो है क्या। सो वहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट और अब हम यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर करते हैं। सो बेसिकली जो चीज़ हम यहाँ पे देते हैं चैट जीपीटी को, यानी वो हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज़ भी हमें देते हैं और जिसके बदले में वो हमें कुछ देती है, यानी जिसके बदले में वो हमें उसका आंसर देती है, सो उस चीज़ को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, यानी हम उसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछेंगे। सो सबसे पहले तो हम इसके इंटरफेस के बारे में बात करते चलें। सो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू चैट का, यानी यहाँ से आप न्यू चैट कर सकते हैं इसके साथ, यानी जितने भी हमने पहले इससे क्वेश्चन पूछे हैं उन तमाम की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। यानी इसमें यह है कि अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन को अगेन रिपीट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सो उसके लिए ये नहीं है कि अगेन आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तो आप सिंपली यहीं पे क्लिक करके अगेन वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, यानी इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। सो पहला जो हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे वो चैट जीपीटी के हवाले से ही पूछेंगे, यानी हम हर तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, हम कन्वर्सेशन करेंगे बाकायदा इसके साथ, यानी हम देखते हैं कि क्या ये तमाम चीज़ों के बारे में जानती है या नहीं। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ चैट जीपीटी। सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, इसे क्वेश्चन देने के बाद हम सिंपली इस बटन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। सो ये हमने इसके ऊपर आके क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने जस्ट सेकंड्स के अंदर हमें यहाँ पे बता दिया है, यानी वो यहाँ पे लिख रही है कि चैट जीपीटी क्या है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं चैट जीपीटी को कि चैट जीपीटी क्या है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब चैट जीपीटी आपके पास और आपको यूज़ करनी आती है, सो आप अपने हर क्वेश्चन को चाहे वो जैसा भी हो आप उसका आंसर यहाँ पे ले सकते हैं। सो देखिए उसने बताया है कि जो चैट जीपीटी है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई ने डिवेल्प किया है। यानी ये देखिए उसने यहाँ पे ये भी बताया है कि किस तरीके से इसे क्रिएट किया गया है, उसके काम के बारे में बताया है कि ये किस तरह काम करता है, यानी लाइक ह्यूमन की तरह ये रिस्पॉन्स करता है। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे इसे इनपुट देंगे और एक इंसान की तरह वो उसकी आउटपुट देगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर देगा आपको। सो देखिए ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन जो हमने इससे पूछा, यानी व्हाट इज़ चैट जीपीटी। सो ये चैट जीपीटी है, इसके अंदर अब ये फीचर ऐड किए हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बल्कि आप हर जबान के अंदर पूछ सकते हैं, यानी आप जैसे भी पूछना चाहें इससे पूछ सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो उसके लिए हम अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, हम यहाँ पे नीचे टाइप नहीं करेंगे बल्कि इसी को एडिट कर लेते हैं। सो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे आगे ही एक ऑप्शन है, ये देखिए ये एक नोट है और उसके ऊपर एक पेन का निशान है। सो हम सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए अब हम यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को अगर हम एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी, यानी हमने पूछा कि चैट जीपीटी क्या है। अब हम इसको थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, यानी हम व्हाट इज़ के बजाय चैट जीपीटी क्या है पूछेंगे। सो ये हमने चैट जीपीटी कर दिया। चैट जीपीटी के बाद हम यहाँ पर करेंगे चैट जीपीटी क्या है। सो ये हमने कर दिया है। करने के बाद हम सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि उसने इसी ज़बान के अंदर यहाँ पे लिख के बता दिया है कि चैट जीपीटी क्या है।
उसने बताया कि चैट जीपीटी एक बड़ा भाषा मॉडल है जो ओपन एआई ने ट्रेन किया है। ये चैट जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पर आधारित है, यानी उसने यहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ किए हैं क्योंकि हमने पूछा ही क्वेश्चन ऐसा था कि चैट जीपीटी क्या है। सो ये हिंदी जो लैंग्वेज है यानी हिंदी भाषा है, सो उसको इसने यूज़ करके यहाँ पे किया है, यानी आधारित लिया गया है, ये हिंदी का वर्ड है। सो उसने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये NLP को यूज़ करते हुए यानी NLP की टेक्निक को यूज़ करते हुए ये आपसे बात करेगा। इसी तरीके से चैट जीपीटी बहुत सारी ज़बानों में आपके साथ यानी बहुत सारी भाषाओं में आपके साथ बात कर सकता है, यानी हमने जैसा क्वेश्चन पूछा उसने बिल्कुल उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे आंसर दे दिया। यानी हमने पहले व्हाट इज़ चैट जीपीटी पूछा तो उसने उसी से रिलेटेड यानी इंग्लिश में हमें बता दिया, हमने चैट जीपीटी क्या है पूछा तो उसने उसी से रिलेटेड हमें आंसर दे दिया। सो अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी को थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं कि आया ये हमारे तमाम क्वेश्चन का आंसर दे पाएगी कि नहीं। जैसा कि चैट जीपीटी खुद भी यहाँ पे बता रहा है कि मैं तमाम जुबानों के अंदर यानी आपके हर तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। सो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप करेंगे वो हम इंग्लिश के अंदर नहीं करेंगे बल्कि हम उर्दू का क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करेंगे। सो अब हम यहाँ पे पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में। सो ये हमने यहाँ पे उर्दू टाइप कर दिया है कि पाकिस्तान के बारे में बताओ। सो हमने ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड किया है बल्कि हमने एक सिंपल वे के अंदर ये लिख दिया है कि पाकिस्तान के बारे में बताओ। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान के बारे में हमें बता पाएगी कि नहीं। सो उसके लिए हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने ये भी बताना शुरू कर दिया, यानी हमने जिस जबान के अंदर पूछा उसने उसी जबान के अंदर यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। हमने इंग्लिश के अंदर पूछा उसने इंग्लिश में बता दिया, हमने हिंदी वर्ड को यूज़ करके पूछा तो उसने वो हमें बता दिया, इसी तरीके से हमने उर्दू के अंदर पूछा तो उसने उर्दू में हमें बता दिया। सो अब हम यहाँ पे इसे रीड करते हैं कि आखिर इसने पाकिस्तान के बारे में बताया क्या है। सो देखिए इसने बताया है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाकई एक मुल्क है, इसकी बाशिंदगी तकरीबन 22 करोड़ है और ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान भारत चीन अफगानिस्तान ईरान और अमान से महत है, यानी इसके हमसाए मुल्क के बारे में बता दिया। इसकी ज़बानें उर्दू और अंग्रेज़ी हैं लेकिन पंजाबी सिंधी पश्तो बलोची और सराइकी जैसी दीगर ज़बानें भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी ये पाकिस्तान के बिल्कुल डिटेल में जाके इन चीज़ों को उठा के लाया है कि पाकिस्तान क्या है, इसके अंदर क्या क्या ज़बानें बोली जाती हैं। उसके बाद इसने लिखा है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा तरीक़ोतमद्दन से भरपूर मुल्क है। इसके अलावा इसका कदीम दौर का नाम गंदारा भी था। पाकिस्तान में बहुत सारे तरीकी शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, हैदराबाद और बहुत कुछ। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है जबकि मजहबी तौर पर इसमें सुन्नी, शिया और दिगर फिरके पाए जाते हैं। ये भी एक दोस्ताना मुल्क है जो दूसरे ममालक से ताल्लुकात रखता है। यानी उसने पाकिस्तान के बारे में वो तमाम चीज़ें बता दी हैं जिसको कोई भी इंसान पढ़ के यानी वो समझ सकता है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है, इसकी आबादी कितनी है, इसके हमसाए मुल्क क्या है, इसके अंदर जुबानें कौन सी बोली जाती हैं, इसके तरीकी शहर क्या हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या फिरके हैं। सो इसने तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे। सो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम किसी की शख्सियत के बारे में पूछेंगे, यानी पाकिस्तान में मौजूद किसी शख्सियत के बारे में पूछेंगे। और अब हम यहाँ पे वो देखते हैं कि क्या ये लोगों के बारे में भी जानता है या सिर्फ दूसरी चीज़ों के बारे में ही जानता है, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में जानता है या पाकिस्तान में मौजूद जो मशहूर हस्तियाँ हैं उनके बारे में भी जानता है। सो उसके लिए यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। सो ये हमने जो क्वेश्चन टाइप किया है ये आप देख सकते हैं, हमने इसे पूछा है कि आप वासफ़ अली वासफ़ साहब को जानते हैं। सो अब हम ये क्वेश्चन इसे पूछेंगे। सो उसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये क्या जवाब हमें देता है। सो ये देखिए आप देख सकते हैं कि उसने वासफ़ साहब के बारे में भी हमें बताना शुरू कर दिया है। हमने इसे पूछा कि क्या आप वासफ़ अली वासफ़ को जानते हैं तो उसने कहा जी हाँ। वासफ़ अली वासफ़ पाकिस्तान का अहम अदबी शख्सियात में से हैं। इन्होंने उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में भी कई किताबें लिखीं। वासफ़ अली वासफ़ को अदबी आलम में उनकी काबिलियतों के लिए बहुत सराहा जाता है। उन्होंने अपनी तसनीफ़ों के ज़रिए मुख्तलिफ मौजूआत पर गौर किया जिनमें इश्क, इंसानियत, सियासियात, तरीक़ और फ़रंग शामिल है। यानी वासफ़ साहब को भी ये जानता है कि वासफ़ साहब क्या हस्ती हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी किताबों के बारे में उसने बता दिया और उनको किस एजाज़ से नवाजा गया वो भी हमें बता दिया। यानी अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रही। यानी आपको जिस चीज़ में भी किसी की हेल्प चाहिए बजाय ये कि आप किसी और से हेल्प लें, चैट जीपीटी आपके लिए है। आप चैट जीपीटी से जैसा भी क्वेश्चन पूछें यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने कितने कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं, यानी हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए,
मगर उसने हमारे हर क्वेश्चन का जवाब दिया, चाहे वो जिस जुबान के अंदर भी हो। सो ये तो थे अब तक के क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे वो हम उर्दू इंग्लिश में नहीं पूछेंगे, बल्कि हम मैथ का क्वेश्चन पूछेंगे, यानी हम मैथ को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैथ का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने मैथ के क्वेश्चन को टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिर्फ ये उर्दू इंग्लिश में ही हमें जवाब दे सकती है या मैथ को भी समझती है। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन देने के बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देती है। सो देखिए उसने यहाँ पे हमें बता दिया है, यानी वो हमें समझा भी रही है साथ साथ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। सो देखिए उसने बताया कि सिंप्लीफाइंग द टर्म व्हेन ईच ग्रुप, यानी अब आपको किसी कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कैलकुलेटर को यूज़ करके किसी भी वैल्यू को फाइंड करें, यानी आप सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं इससे। सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इससे पूछते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, यानी आसान वर्डिंग के अंदर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दिया है कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, प्लीज़ एक्सप्लेन इन ईजी वर्ड। सो आप यहाँ पे अपनी एज को भी मैंशन कर सकते हैं कि लाइक 15 ईयर ओल्ड, कि आप जितनी उम्र के भी हैं, यानी आप जितनी भी उम्र यहाँ पे लिखेंगे, जितनी भी एज लिखेंगे, यानी ये बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे हैंडल करेगा, यानी उसी से रिलेटेड वैसे ही वर्ड यूज़ करेगा, यानी सिंपल वे के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी एज को इंक्रीज कर देते हैं उसी तरीके से ये थोड़ा एडवांस वे के अंदर आपको समझाएगा। यानी अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इसे कह सकते हैं कि हमें आसान अल्फाज में समझाए। सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी के बारे में। सो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में ये हमें क्या आंसर देती है। सो देखिए उसने टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे आसान वर्डिंग के अंदर, यानी आसान अल्फाज के अंदर यहाँ पे बयान कर दिया है। यानी चैट जीपीटी को यूज़ करके आप ये कर सकते हैं कि आप अपना कोई भी ब्लॉग टाइप कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ आपके जहन में आ रही हो आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे, ये उसी से रिलेटेड आपको पूरा लिख के दे देगा। सो लिखने के बाद क्या करेंगे, आप उसको कॉपी पेस्ट करके, यानी उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपना एक पूरा ब्लॉग लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। यानी बजाय ये कि आप सुबह से लिखने बैठ जाएं, यानी वो काम जो आप अपने पूरे दिन के अंदर करते हैं आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम पूछ ही लेते हैं इससे ब्लॉग के बारे में। सो हम यहाँ पर इससे पूछेंगे कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, यानी हम यहाँ से पूछते हैं कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, के ब्लॉग को किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ों को उसके अंदर मद्देनजर रखा जाता है। सो हम यहाँ पे इससे पूछते हैं। सो देखिए उसने यहाँ पे ब्लॉग के बारे में लिखना शुरू कर दिया है कि ब्लॉग को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें ब्लॉग के अंदर होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है ब्लॉग लिखते हुए। सो उसने तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। सो देखिए उसने जो फर्स्ट चीज़ हमें बताई है वो है चूज़ अ टॉपिक, यानी उसने हमें बताया है कि जब आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हों तो सबसे पहले तो अपने टॉपिक को चूज़ करें, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। यानी अपनी पोस्ट को क्रिएट करें, उसके अंदर देखें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है राइट योर पोस्ट, यानी अपनी फिर पोस्ट को लिखना शुरू कर दें। चौथे नंबर पर उसने हमें बताया है कि एडिट एंड प्रूफ, यानी अपनी पोस्ट को लिखने के बाद आप उसे देखें, यानी उसके अंदर प्रूफ रीडिंग करें, उसके देखें कि कोई गलती तो नहीं है, उसको एडिट करें और उसके बाद पब्लिश योर पोस्ट, अपनी पोस्ट को पब्लिश कर दें। यानी उसने हमें तमाम चीज़ें बता दी हैं कि आपने सबसे पहले अपने टॉपिक को चूज़ करना है, आपने अपनी ऑडियंस को देखना है कि आपके ऑडियंस क्या है जिनके लिए आप लिख रहे हैं, उसके बाद आपने टॉपिक को चूज़ करके लिखना है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने पब्लिश करना है। सो देखिए अगर अब भी हम कहें कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, यानी किसी चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा, सो ये बात यहाँ पर करनी बनती नहीं है। यानी अगर हमने ब्लॉग के बारे में ही पूछना होता कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, अगर हम वैसे ही गूगल पे जाके करते तो हमें बहुत सारे वहाँ पे ब्लॉग देखने पड़ते जिनमें उन्होंने बताया होता कि हम किस तरीके से ब्लॉग को राइट कर सकते हैं, यानी किस तरीके से ब्लॉग को लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने किसी साइट को ओपन नहीं किया, हम किसी साइट के ऊपर नहीं गए, बल्कि हमने चैट जीपीटी से आके क्वेश्चन किया और उसने वो तमाम चीज़ें हमें बता दी जो हम एक्चुअल में चाह रहे थे, यानी जो एक्चुअल में हम जानना चाह रहे थे। सो अब हमने यहाँ पे दूसरी जुबानों को भी यूज़ करके इससे क्वेश्चन पूछ के देख लिया, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछ के देख लिया, हमने ब्लॉग के बारे में भी पूछ के देख लिया। सो अब जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछेंगे वो हम यूट्यूब के बारे में पूछ लेते हैं, यानी हम इससे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि यूट्यूब के ऊपर कौन कौन सा कंटेंट वायरल है, यानी कौन कौन सा कंटेंट वायरल में जा रहा है, सो हमें वो बताएं। सो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को टाइप करेंगे। सो ये हमने अपने क्वेश्चन को टाइप कर दिया, हमने इसे कहा है कि प्लीज़ टेल मी वायरल यूट्यूब कंटेंट।
सो ये टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। सो एंटर की प्रेस करने के बाद ये देखिए उसने यूट्यूब के बारे में भी हमें बताना शुरू कर दिया है, यानी वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सा कंटेंट है जो वायरल हो रहा है, यानी जिसको ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं या जो ट्रेंडिंग में जा रहा है। सो ये था बेसिकली चैट जीपीटी और ये हमने इसके साथ बात की, यानी इसने बिल्कुल एक इंसान की तरह हमने जो इससे पूछा उसने उसका प्रॉपर हमें जवाब दिया। सो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ बात कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप इससे पूछ सकते हैं, यानी आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप फ्री में चैट जीपीटी को यूज़ करें और अपने हर क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब लें। सो ये था बेसिकली चैट जीपीटी। सो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।